मानसा जिले के पिंड तलवंडी अकलिया के वसनीक धरती हेठला खारा ते पारा पानी पीण दे लई मजबूर हन। भावें पिंड विच जल घर बनाया होया है पर पानी की सप्लाई दे लई पाई गई जमीन दोस पाइप पिछले 6 महीनों तो बंद पई है, जिस कारण लोग शुद्ध पानी पीण तो वांझे हन। धरती हेठला पानी पीण दे नाल लोग अनेक बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। लोगों ने पंजाब सरकार के विभाग तो मांग की है कि इस समस्या वाल ध्यान दे के तुरंत इसका हल कटिया जाए। पिंड के लोगों का कहना है कि वाटर वर्क्स दे विच पानी पहुंचने के लिए जो पाइपा पाईया गई हैं वो काफी समय तो बंद पईया हैं। महकमे दे ध्यान दे विच वी लिया दिता गया पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जेकर पाइपा ना बदलिया गई तो पिंड वासियों वालों तिखा संघर्ष किया जाएगा। जो पाइपा आ रही ने वो पूरी तरह ब्लॉक हो रही ने, उस दे नाल करके असीं जिहड़ा ग्राउंड वाटर वो पी रहे हैं, उहदे करके सानूं काफ़ी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जिस तरह जिहड़ियां मेन बीमारियां ने पेट दियां पानी तो ही स्टार्ट होंदियां ने, ते साडी अपील है कि वार वार कि साडी इह समस्या जिहड़ी हल की जाए, नहीं फिर सानूं सख्त एक्शन जिहड़ा पिंड दे लैवल ते लैणा पऊगा। साडे पिंड दे विच जो वाटर वर्क्स बनिया होया है ना, गवर्नमेंट दे अधीन है, इहदे विच जो पाइपा ने वाटर वर्क्स वास्ते आ रही ने, जो नहरी पानी सूए दे विचों आ रहा है, अंडरग्राउंड पाइपा ने पत्थर दियां, वो सारिया पाइपा बंद ने, उच्चिया नीवियां पाइया ने उस समय के अधिकारियों ने, तो करके ब्लॉकेज हो गई। जब हुण उन्हां नूं पट्टांगे तो वह टुटनगियां। सो असी यही समस्या कि वह पाइपा बंद ने, तो थलों अंडरग्राउंड पानी असी पी रहे हैं, मोटर लगी हुई है इत्थे तुहानूं चल रही सुन रही होएगी। सो वह पानी असी पी रहे हैं, उहदे विच शोर है, वह तो सरकार आप ही कहिंदी है कि धरती हेठला जो कपाह पट्टी है ये पानी धरती हेठला पीओ ना। सो आप ही सानू पिया जा रहा है, तो सानू 200 वाट कनैक्शन लगे ने, 200 वाट कनैक्शन तो नाले बिल लेता जा रहा है। महकमे नूं असीं वारी वारी मिले हाँ, महकमे को दो तजवीज़ा ने पंचायत नूं बार बार मीटिंगा करते भी तुसीं लै लो, फिर किहड़ा पैसे आ जाणगे इन्हां कोल, फिर उन्हां नूं पैसा दिंदे आ पंचायत नूं, कहिंदे पैसा लै लो तो महकमा सांभो। ये रौला हैगा होर के ना कि पाइपां कढ़न वेले तां इन्हां कोल पैसा है नहीं, दूसरे पासे जदों पंचायत नूं दिंदे आ उदों 15 लाख दी ग्रांट देण नूं तैयार है। इस करके असीं अपना वाटर वर्क्स है जिहड़ा वो इसे लैवल पर चलवाना चाहते हैं, जोड़ा पानी है वो धरती हेठला बंद करके सानू नहरी पानी दिता जाए, नहीं कोई अधिकारी सुनूंगा तो सख्त तो सख्त मतलब साडा संघर्ष दा राह जो चुनांगे। गलबात दौरान जे ई रुपिंदर कुमार ने दसिया कि मीह दे पानी दे नाल पाइपां दे विच मिट्टी भर जाण करके वह बंद हो गई। उन्होंने दसिया कि एसटीमेट बना के मनरेगा तहत पाइपां साफ करवा के छेती ही पानी सप्लाई चालू कर दी जाएगी। वाटर सप्लाई स्कीम जो तलवंडी अकली है उस दियां जो इनलैट पाइपां ने मीह दे पानी करके घर भर नाल वो ब्लॉक हो गई ने, जिस करके पानी की मात्रा घट पहुँचती है वाटर वर्क्स के। इसका एसटीमेट जल्द ही नरेगा तहत बना के पाइपा साफ करवा दी जाएगियां, तो मुड़ तो योग मात्रा के पानी पिंड के लोगों को सप्लाई करवा दिया जाएगा। दूजे पासे जिला संगरूर दे विच भी सीवरेज दे पानी नूं लैके लोकां ने रोस जताया अते समस्या दे हल दी मांग कीती। बीमार हो रहा तो दूसरे नंबर ते 18 करोड़ 75 लाख रुपया सीवर का आए हुए कई साल बीत चुके, दड़बे दे विच सारा सीवर च पै चुका। असी साडा क्यों नहीं पैंदा, साडी गली च क्यों नहीं सीवर च पैंदा, साडा भी पानी का निकास किया जाए। उरे घट्टो घट 100 घर है, 500 जी रहिंदा है, ते इन्हां दा भी देखो पानी का विकास होना चाहिए। पानी का विकास के पिछे साडी मंग है, पानी का विकास जब तक चालू नहीं होंदा असी ताप दा धरना चुकते नहीं हाँ, ते साडे सारे मोहल्ले की यही मंग है भी साडा पानी का विकास छेती तो छेती होवे। असी SDM साहब नूं भी अर्जी कई बार दे चुके हैं, तो अपने नगर पंचायत नूं भी बहुत बारी दे चुके हैं। एक फॉर्मैलिटी तौर पर उन्होंने इंजन खड़ा कर रखा पानी कढ़न वास्ते, वो 2 घंटे बाद ही पानी साडा इन्ना भर जांदा, टोबे का पानी बैक आ रहा, कुछ घर का पानी है वो बिना मीह तो ही छप्पड़ बन के खड़ा है। तो देखो जी अच्छा सारे मोहल्ले की यही बेनती है भी साडा पानी का निकास किया जाए छेती तो छेती। समस्या साडी इक्को ही है जी, बीही दे पानी की गंदा पानी आ। सानू 5 साल जिदन की कमेटी बनी उस संता भोग रहे हैं, जे किसी को जाने तब उस पुखा बोलते हैं, कहते मता रखाते हैं, मता पाता जी आ फलाना करता जी, साडा अणमिठा धरना होगा जी। यही बेनती है अफसर सीवरेज नज़र पैंता, आ टेंट लाता जी
ਹਣ ਮਿਥਿਆ ਧਰਨਾ ਉਹਨੇ ਗੰਦ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਮੇਟੀ ਚ ਪੂਰਾ ਜੀ ਗੋਹਾ ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰੇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਪਾਈਪਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 13,87,000 ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣਾ ਆ। 30/7 ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ 19/8 ਨੂੰ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਈਓ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ SDM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, SDM ਸਾਹਿਬ ਨੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ EO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਆ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਜ ਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, EO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਠਾਉਣਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਧਰਨਾ ਉਠਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਅਜੀਤ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਗੁਰਚੇਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਵਾਲੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਪਿੰਡ ਕਸਬਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ। ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਹਰ ਆਮੋ ਖਾਸ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।